गाइस यही है हमारी ट्रेन और भाग के जा रहे हैं हम लोग। सी टाइम हो रहा है 7:30 और अभी ऑटो में है। ये रहा हमारा सारा आइटम और ये अंधेरी स्टेशन और फटाफट लोकल में मिलता है गाइस। फर्स्ट क्लास एसी में बैठ गए हैं गलती से और हेलो बेटा वेरी अननोन फर्स्ट क्लास है। ये देख लो पीछे लिखा फर्स्ट क्लास। तो यहाँ से निकलेंगे हम लोग चर्च के। होने में बस 3 मिनट बाकी है और अभी हम स्टेशन पे हैं। थोड़ा लेट हो गया है, वहाँ पे हमारा फाइन वगैरह हो गया था। बाद बाकी बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। गाइस यही है हमारी ट्रेन और भाग के जा रहे हैं हम लोग। सी आ जाओ जाए। अरे उसमें सो हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं पुणे स्टेशन और पुणे स्टेशन में अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखा देता हूं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:37 इन द नून और ये हमारी ट्रेन है, ये कोल्हापुर मुंबई गतका, ये मतलब हमारी लास्ट में उतरे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम पुणे पहुंच चुके हैं और पुणे पहुँचने से पहले ही हमारे साथ क्या हुआ, पोपट हो गया। पोपट मतलब थोड़ा चलान वगैरह कट गया हम लोगों का, क्योंकि हमने टिकट जो ली थी वो ली थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की और हम उतर गए चर्च गेट, क्योंकि वहाँ से ट्रेन आ नहीं रही थी। तो ये चलान है, एक चलान कट गया छोटा सा, कोई बात नहीं, चलो होता रहता छोटा मोटा कांड। तो अभी हम फिलहाल है पुणे और बाकी सब लोग हैं मेरे, अंकिता वहाँ पर है, विनय वहाँ बैठा हुआ है। तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं और पहले कुछ खाते हैं। कुछ सुबह से कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने, हालत सबकी करीब 12 बज गए सबके चेहरे पर मालूम है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधा आपको मिलते हैं, सीधा कुछ खाते पीते पहले, उसके बाद हम होटल होटल जाएंगे, फिर देखते हैं क्या प्लान होता है, ठीक है। तो हैविंग समोसा और चाय एंड वड़ा एट पुणे स्टेशन। होटल ले लिया लास्ट में हम लोग चाय पी रहे थे और हमको कम से कम 1 घंटा लगा होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि गणपति की वजह से सारे होटल थे और ये थोड़ा हमको होटल अच्छे प्राइस में पड़ गया हमारे जैन पहचान के थ्रू। तो ये होटल की खासियत ये है कि इसमें हमको ना चारों को एक साथ मतलब रहने का मौका मिल गया, वरना अलग अलग रूम लेना पड़ता, उसका थोड़ा कॉस्ट भी पड़ता। लेकिन ये वाला जो है ना दिन दिन छा गया हमारा, ये वाला होटल रूम जैसा आप देख सकते हो प्रॉपर्टी में डबल बेड है, एक वहाँ बेड है एक वहाँ बेड है, ठीक है। तो उस बेड के साथ जो क्या हमको एक मिरर दिया हुआ है और ये है हमारे मिरर के साथ में ये मेरा प्यारा सा सेटअप, इसको करेंगे बाद में यूज़, ठीक है। और एक छोटा सा यहाँ से व्यू है प्यारा सा, ठीक है, इतना खास नहीं है लेकिन ठीक है। और ये हमारा ओवरऑल एक व्यू है, बाकी सब लोग रेडी है, हम लोग निकलने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शनिवारवाड़ा। तो अभी शनिवारवाड़ा जाएंगे और कुछ खाएंगे वहाँ पर और उसके बाद में हम लोग कल करेंगे शायद मे भी कलम कहाँ जाएंगे शनिवार वाड़ा, क्योंकि इसको ना शनिवार वाड़ा घूमना था बेचारे, तो उसने शनिवार वाड़ा ने घूमा था, ठीक है। तो शनिवार वाड़ा लेके जाना है, कहाँ से घूम लेंगे भाई, शनिवार वाड़ा घुमा देते हैं इसको अच्छे से, थोड़ा सा पुणे का जो है मेन वो घुमा देते हैं और क्या मुझे खुद भी नहीं पता, देखते हैं क्या होता है, ठीक है गाइस यहाँ से निकलते हैं। तो भाई लोग अभी हम हैं उबर में, हमने उबर बुक की थी क्योंकि यहाँ के ऑटो वाले जो है बहुत महंगे हैं, मतलब 2 किलोमीटर के 100 रुपये, यहाँ से 2 किलोमीटर है शनिवार वाड़ा और 100 रुपये मांग रहे थे, इससे अच्छा हमने कैब नहीं कर ली, 120 रुपये में सीधा कैब में जाएंगे चारों। और हाँ ऑटो में 3 ही लोग बैठाते हैं, 4 कभी नहीं बैठाता, ये याद रखना। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम वी आर हेयर अगेन शनिवार वाड़ा। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मेरे पुराने ब्लॉग में देख लेना आप लोग, मैं बस जस्ट अन्नू को घुमाने के लिए आया था और अंकिता को, तो ये लोग पहली बार आए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, उसमें ज़्यादा अच्छा है। ये है शनिवार बड़ा और अंदर टिकट वगैरह लेनी पड़ती है जैसे मैंने लास्ट लोगों को बताया, काफ़ी भीड़ है
लास्ट टाइम मैं वो साइड से आया था वहाँ से, क्योंकि मैं बाइक और स्कूटी से था, तो ये टाइम मैं ये साइड से आया हूँ क्योंकि हम उबर से आए और अंकिता ब्लॉक कर रही है इस टाइम। तो अभी हम चलते हैं अंदर से टिकट वगैरह लेते हैं। क्या बताओ क्या है, घंटी है, खटखटाते थे। हेलो हेलो हेलो। और ये इंजेक्शन लंबे वाले बड़े इंजेक्शन यहाँ पर है, जोक सपाट कुछ और है। वो पहले की किलेबंदी इस तरह से होती थी। और आगे टिकट शायद 3500 रुपये है, आई थिंक 20 की 3500 रुपये। गाइज अगेन इन शनिवार वाड़ा, तो ये शनिवार वाड़ा है और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ थाने करने के लिए जो हम करेंगे एक्टिविटी वो कल करेंगे। तो बाकी हम सब लोग बैठे हुए हैं, देख लिया है, अगर लगता है ऊपर जाएंगे तो जाएंगे, वरना मौसम इतना बढ़िया हो रहा है कि मौसम के लुत्फ उठाएंगे। तो बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। घूम लिया शनिवार वाड़ा, ऊपर नहीं जाना है? जाना है, अभी जाएंगे। गाइस शनिवार वाड़ा के बाद में आप लोग हम एंजॉय कर रहे हैं अपना मील, फर्स्ट मील समझ सकते हैं इसको हम। हमारी यहाँ का डोसा और पाव भाजी इंजॉय हो रही है और साथ में कोल्ड कॉफ़ी भी है। क्या ला रहा है, चटनी लाया? हाँ भाई सब कुछ लाया। कहिए क्या है। दो भाई अन्नू पूना है और यहाँ की चाय टेस्ट नहीं करी तो क्या किया। यहाँ के अमृत वाले चाय, इस तरह की जितनी भी कांदा पोहे इस तरह की तकलीफ में चाय होती है, बहुत बढ़िया रहती है। कुछ आगे भी है देखो, कड़क स्पेशल, ये भी चाय की शॉप है, आओ जरूर ट्राई करना। चेयर्स टकीला। वैरायटी देखो, सांभर पोहे, कुरकुरे पोहे, दही पोहे, तरी पोहे और तंदूरी पोहे। इतने पोहे मैंने पूरे नहीं देखे, पोहे ही पोहे। चाय पीने के बाद में हम लोग आ चुके हैं यहाँ के शक्तिपीठ मंदिर, गणेश जी के दगड़ू शेठ मंदिर है और काफ़ी मान्यता है। मैं अभी तक दर्शन नहीं कर पाया था, तो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमको कि हम आज दर्शन वगैरह करेंगे यहाँ के। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और अभी बहुत ट्रैफिक हो रहा है पुणे में क्योंकि एक तरह से ऑफिस टाइम भी छुट्टा है ना। बाकी अब मंदिर देखो, ये मंदिर है, लाइटिंग्स वगैरह तो कुछ नहीं आ पाया। मंदिर की खासियत ये है कि दर्शन बाहर से भी हो जाते हैं, अगर किसी को अंदर जाके करना है तो अंदर भी हो जाते हैं। एंट्रेंस जो है एंट्रेंस उस तरफ से है। चलो अंदर चलना है। हाँ चलो ना, मंदिर गाइज ये है पुणे की स्पेशल पानी पूरी और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बनाते हैं पानी पूरी को, तो हमने सोचा हम भी टेस्ट करके देखते हैं। तो होटल जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट किया और बहुत बढ़िया लग रही थी, इनका बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा टेस्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसी लगी। बारिश पड़ रही है और हम खा रहे हैं अभी पानी पूरी। उठाओ उठाओ उठाओ, दिखाओ ये पानी पूरी, आ जाओ। चेयर्स करो, चेयर्स चेयर्स। तो एक प्लेट और चाहिए ना, बहुत बढ़िया है। बारिश आई हो आप लोगों को दिख रही होगी, ये देखो बारिश हो रही है, इतनी प्यारी बारिश हो रही है पूना में, बहुत ठंडी ठंडी मुँह पे लग रही है, थोड़ी सी आप इसको महसूस करो, फील करो और इस बारिश के अंदर
इतनी प्यारी पानी पूरी, पूरे कोई बाजार है पीने का, उतना मन कर रहा है पानी पूरी। ओ माय गॉड यार क्या खा रहा था, महाराष्ट्र थाली करके रेस्टोरेंट था वो, उस रेस्टोरेंट में मतलब ऐसा खाना मिला पंजाबी थाली, फुल पेट भर गया, मस्त मजा आ गया। अब जा रहे हैं होटल और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को जाना है ट्रैक करने के लिए, तो अभी जाके सिर्फ सो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे और व्लॉग का एंड कर देंगे रूम पे। तो मिलते हैं रूम पे।